अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल मोहित मीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था और सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व भी करेंगे और सीखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 5 इज, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व किए थे दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टाइप, एंड जो आज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड, ये टेक्निक 2 से जो है वो सॉल्व होते हैं। अब टेक्निक 2 क्या है, अब वो हम सीखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके जी, सॉल्यूशन इज, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, देखें जब भी रेडिकल साइन हमारे पास अपीयर हो किसी इक्वेशन में, ठीक है, तो उसको रिमूव करने का मेथड क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा। और लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस हमारे पास 1 to 4 हमने जो फर्स्ट टेक्निक से सॉल्व किए थे उसमें जस्ट राइट या लेफ्ट कोई एक सिंगल रेडिकल साइन गिवन होता था और बहुत ईजीली वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाया करते थे। बट क्वेश्चन नंबर 5 भी अगेन बहुत ईजी है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर राइट साइड पे एक रेडिकल और लेफ्ट साइड पे दो दो रेडिकल साइंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में रेडिकल साइंस गिवन है, तो रेडिकल साइंस को रिमूव करने का मेथड जो है वो क्या होता है, स्क्वेयरिंग करते हैं हम बोथ साइड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड के बाद आप क्या करेंगे, अगेन x प्लस 5 एंड प्लस x प्लस 21 का होल स्क्वेयर। सिमिलरली राइट साइड पे भी x प्लस 60 का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे करते हैं कि इस स्क्वेयर को भी इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये होता नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट रेडिकल या फर्स्ट जो टर्म आपके पास लिखी है आप इसको कंसीडर करें ये ए है, और सेकंड जो टर्म है इसको कंसीडर करें ये बी है, और ये दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला। तो यहाँ पर हम वो स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करेंगे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए के स्क्वेयर की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 5 का होल स्क्वेयर एंड प्लस बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 21 का होल स्क्वेयर। प्लस आगे फार्मूले में 2 आता है, 2 आ जाएगा और ए बी की जगह अगेन एक्स प्लस 5, इनको मैं ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ, एंड एक्स प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट साइड पे जस्ट एक्स प्लस 60 रह जाएगा, ठीक है, जस्ट क्योंकि वहाँ पर एक ही रेडिकल साइन था इसलिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब आप इस स्क्वेयर को रेडिकल साइन के साथ, इस स्क्वेयर को रेडिकल साइन के साथ क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी x प्लस 5 एंड प्लस x प्लस 21 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये जो दो रेडिकल साइंस हैं और इसमें डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज हैं x प्लस 5 और x प्लस 21, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा कर एक ही रेडिकल साइन में लिख देंगे। ओके, मैं लिख लेता हूँ, पहले ऐसे लिख लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 राइट साइड पे x प्लस 60 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे कि जो सिमिलर जो लाइक टाइम टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो x प्लस x क्या होता है 2x। सिमिलरली 5 एंड 21 बोथ आर लाइक टर्म्स, सो 21 में प्लस 5 करें दैट इज 26। ओके जी, प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ, अब स्केयर रूट में ये x जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है एक्स स्क्वेयर, और x को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21x। सिमिलरली 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 5x एंड प्लस 105 राइट साइड पे एक्स प्लस 60 एज इट इज अगेन। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2x और प्लस 26 है इसको हम मूव करेंगे राइट साइड पे, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे,
तो राइट साइड पे लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, तो इनको वहां लेकर जाकर सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी होती वो कर देंगे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास जस्ट रह जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस अब 21x एंड प्लस 5x, बोथ आर सिमिलर टर्म्स, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 26x एंड प्लस 105 एज इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे x है, इस 2x को जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो -2x हो जाएगा। ओके प्लस 60 एंड राइट साइड पे 26 था, यहाँ पर लेकर आऊंगा तो -26 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ अब ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी है, ये 2x है नॉट 26, इसको हम रेज कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 2x आता था, मैंने नहीं लिखा। ओके जी x माइनस 2x, अब बोथ आर सिमिलर तो 2x में से x को माइनस करें तो जस्ट x रह जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का हमेशा मेंशन करती है तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे एंड प्लस, नेक्स्ट 60 में से 26 को आप माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 34। ओके जी नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो इक्वेशन है हमारे पास जिसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को जो सिंप्लीफाई करके अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म आई है, जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में स्टिल अभी भी एक रेडिकल साइन मौजूद है, तो हमने तो अननोन फाइंड करना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब ये है कि हमने अननोन फाइंड करना, एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे जब तक वो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद होगी, तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि जब तक रेडिकल साइन खत्म नहीं होगा तो हम स्क्वेयरिंग कर दे देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके जब आप अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 26x एंड प्लस 105 का कंप्लीट का होल स्क्वेयर एंड राइट साइड पे माइनस एक्स एंड प्लस 34 का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो लेफ्ट साइड पे जो स्क्वेयर है ये होल का स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये 2 के ऊपर भी स्क्वेयर है, यानी कि 2 का स्क्वेयर तो हो जाएगा 4, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और ये जो स्क्वेयर अंडर रूट के ऊपर है इस रेडिकल साइन पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, एक्स प्लस 26x एंड प्लस 105 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे अगर हम ये देखें तो माइनस एक्स प्लस 34 होल का स्क्वेयर है, तो इसको मैं कंसिडर करते हैं ए है ये, और इसको कंसिडर करते हैं ये बी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला, तो यहाँ अगेन हम होल स्क्वेयर वाला फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे, तो होल स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ ए का स्क्वेयर की जगह माइनस एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, सिमिलरली प्लस बी का स्क्वेयर है तो उसकी जगह 34 का होल स्क्वेयर आ जाएगा एंड प्लस 2 ए की जगह अगेन माइनस एक्स एंड बी की जगह 34 आ जाएगा। ओके जी नेक्स्ट स्टेप में अब हम जस्ट इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4 का 26 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 104x एंड प्लस 4 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 420। ठीक है, सो राइट साइड पे माइनस एक्स का स्क्वेयर है, तो जब भी पावर इवन हो और अंदर साइन माइनस का हो तो वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे जस्ट एक्स का स्क्वेयर एंड प्लस 34 का स्क्वेयर से मुराद क्या है कि आपने 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1156 एंड यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68x। चलिए अब हमने इस इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन में रेडिकल साइंस को क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रेडिकल साइंस रिमूव हो गए हैं, अब हम इजीली जो अननोन है जो एक्स की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, अरेंज कैसे करेंगे, या तो आप लाइक टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं ना एक साइड पे करते हैं, तो या तो आप ये करें कि लेफ्ट साइड जितनी भी है उसको उठाकर राइट साइड पे ले आएं, या राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा राइट साइड को भी, तो 4x² यहाँ पर है,
राइट साइड पर एक्स का स्क्वायर है तो वो यहाँ आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, सिमिलरली प्लस 104x, ये एक्स वाली टर्म है तो राइट साइड पे जो एक्स वाली टर्म है माइनस 68x है वो यहाँ आकर प्लस 68x हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर है 420 कांस्टेंट टर्म है विदाउट एक्स, और यहाँ पर 1156, जब इस साइड पर मूव करूंगा तो ये माइनस 1156 इक्वल के उस साइड पर कुछ नहीं बचा, मीन 0 बच गया। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 4x² में से x² को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, 3x², ठीक है। एंड सिमिलरली 104x एंड 68x प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 104x में 68x को अगर हम ऐड कर लें ये बन जाता है प्लस 172x। एंड लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज 420 माइनस 1156, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन मेंशन करेंगे तो 1156 में से 420 माइनस करें तो ये आ जाता है 736 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अभी एक्स की वैल्यू तो नहीं आई, एक इक्वेशन बन गई है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। आपने इस कंप्लीट चैप्टर में यही सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिजॉल्व करते हैं हम। देर आर थ्री मैथड्स टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। सो अब आपके पास जो हमने रेडिकल साइंस को इस क्वेश्चन में रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इक्वेशन आई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने जो हमारा टारगेट है दैट इज कि हमने उसको अननाउंस को फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ से आगे एक्सरसाइज 1.4 1.2 जिस तरह आपने की थी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आपने उस तरह करने हैं ये क्वेश्चंस आगे फर्दर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला चले प्लेस कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम फार्मूला प्लेस करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस प्लेस करें इस b की जगह। अब आपने ये सीखा था कि जो x के कोएफिशिएंट होता है दैट इज a, x का कोएफिशिएंट दैट इज b एंड द लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज c, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, b की जगह 172 प्लेस कर देंगे तो यहाँ 172 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b का स्केयर, अगेन 172 का स्केयर यहाँ लिख देते हैं, ओहो ब्रैकेट क्लोज कर दिए, 172 का स्केयर। इन द नेक्स्ट इज माइनस 4, a की जगह आपने लिखना है 3 एंड c की जगह आ जाएगा माइनस 73 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड a की जगह 3। ओके, अब जस्ट हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस स्केयर रूट ऑफ 172 का स्क्वेयर यहां लिख लेते हैं 2 9 5 8 4। ओके, अब ये तीनों टर्म्स नेक्स्ट वाली मल्टीप्लाई हो रही है तो ये माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। 4 3 12 और 12 को जब 736 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 3 2। ओके, डिवाइडेड बाय 6। इसको फर्दर मैं इससे आगे लिख लेता हूँ कि माइनस 172 एज इट इज प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यहाँ पर मैंने एक और मिस्टेक कर दी है, माइनस और माइनस प्लस होते हैं मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर प्लस कर दें। आप हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आंसर आएगा, ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 3 8 4 1 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके जी, मैंने आप लिख लिया इक्वेशन। अब हम अगेन इसका क्या लिखेंगे, माइनस 172 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 8 4 1 6, ये अपनी आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 196, ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर होता है इसका एंड डिवाइडेड बाय 6। अब इस कंप्लीट टर्म को एक दफ़ा, इस कंप्लीट इक्वेशन को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में प्ले लिखेंगे हम। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस 172
माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। ओके जी, अब एक दफ़ा हम इसको ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सही, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लिखते नहीं हैं हम, ठीक है। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर, सॉरी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6। और अगर इसकी कैंसिलेशन होती है तो आप कर दें, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। सो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, 4। ओके, सिमिलरली सेकेंड वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन मेंशन करेंगे। 196 में 172 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 368 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर आप क्या करेंगे, अगर इसकी कटिंग होती है, कैंसिलेशन होती है और एग्जैक्टली डिविजिबल ना भी हो, जितनी कैंसिलेशन हो सकती है, जितनी कटिंग हो सकती है आप कर दें, ठीक है। तो इसको कटिंग करने से आंसर आएगा माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास इसका सेकंड सॉल्यूशन, हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब अगेन इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उनमें ये दोनों वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। पुट करने से अगर हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है देन वो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा, और जिसको पुट करने से आंसर वेरीफाई नहीं होगा वो हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। चले जी, लेट्स सी, आगे देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4 को पहले पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। ओके जी, मैंने चेक करने के लिए इक्वेशन को अगेन लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर हम एक्स की जगह पर, जहाँ जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ वहाँ पर 4 प्लेस करेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 5, दरमियान में अगेन प्लस, अगेन सेकेंड हमारे पास जो रेडिकल साइन है यहाँ पर भी 4 प्लस 21 इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी 4 प्लस 60। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई कर लें, 5 प्लस 4 इज 9। ओके जी, प्लस 21 प्लस 4 इज 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें तो 64 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का, तो 3 के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा रूट एज इट इज। अगेन 25 इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 64 एंड दैट इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 8, ठीक है। अब हम इन स्क्वेयर्स को अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा, इस स्क्वेयर को कैंसिल कर दें रूट के साथ तो यहाँ 5 आ जाएगा, और राइट साइड पे अगर ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल कर दें तो यहाँ 8 आ जाएगा। फर्दर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 5 इज 8 इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी 8 है, तो x की वैल्यू 4 पुट करने से जो आंसर आया हमारे पास, राइट और लेफ्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया। सो इट्स मीन x इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड की थी x की, अब उसको इस गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो इसका सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। चलें जी, अब वो चेक करते हैं हम। ओके जी, अगेन मैंने इक्वेशन लिख लिया, अब हम इसमें सेकेंड वैल्यू जो है वो एक्स की प्लेस करेंगे जहां जहां पर एक्स है। तो लिख लेते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर लिखेंगे माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 5, सिमिलरली प्लस, फिर अगेन स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 184 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 21 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 184 ओवर 3 एंड प्लस 60। जब भी प्लस माइनस हो और दरमियान में प्लस माइनस जब भी हो और फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 21 के नीचे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा, 60 के नीचे कुछ नहीं तो डेफिनेटली 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। एलसीएम हमारे पास देखें, डिनोमिनेटर में एक 3 और एक 1 है, तो ऑब्वियसली जब एलसीएम लूंगा तो 3 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस 184 ओवर 3 है, तो दोनों यहाँ पर 184 ओवर 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है और यहाँ के एलसीएम जो है वो भी 3 है, तो दोनों 3 कैंसिल होके एज इट इज माइनस 184 आ जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1। इसको जब हम 1 को, इस डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो ऑब्वियसली 3 आएगा, तो उस 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 5 3 15, अगेन दरमियान में प्लस, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, सॉरी एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा, और न्यूमिनेटर माइनस 184 एज इट इज एंड प्लस 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, सॉरी एलसीएम हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में माइनस 184 एज इट इज एंड प्लस 180,
ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ओके जी, नेक्स्ट आप आपने जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे -184 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 3 और साइन माइनस का एंड प्लस, यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे माइनस। 184 में से 63 माइनस कर लें तो आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे अगर 184 में से 180 माइनस करें तो 4 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। चलें जी, नेक्स्ट है 169। एक काम यहाँ कर लेते हैं कि मैं इसको 169 को सेपरेट कर देता हूँ और -1 को अलहदा से ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। ओके जी, नेक्स्ट इज यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 121 को सेपरेट कर देता हूँ और -1 को सेपरेट डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 को सेपरेट कर देता हूँ और -1 को अगेन यहाँ पर भी सेपरेट करके लिख देंगे ऐसे। अब 169 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है किसका, 13 का, 13 का परफेक्ट स्क्वेयर है 169 एंड -1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर भी 11 जो है परफेक्ट स्क्वेयर है किसका, 121 का, तो यहाँ 11 का स्क्वेयर आ जाएगा और -1 अगेन एज इट इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ 4 जो है परफेक्ट स्क्वेयर है 2 का, तो 2 का स्क्वेयर इंटू -1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3। अब ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो 13 जो आ जाएगा वो स्क्वेयर रूट से बाहर और बाकी ऊपर बच जाएगा अंडर रूट -1 और नीचे बच जाएगा अंडर रूट 3, मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ। एंड प्लस यहाँ पर भी स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, 11 आ जाएगा बाहर, रूट में आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई रूट में लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी 2 का स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट में -1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 3। अब एक आपने चैप्टर नंबर 2 में 9th क्लास के ये पढ़ा था कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वेयर रूट ऑफ -1 के। ये आयोटा की वैल्यू आपने याद रखनी है, बल्कि याद होगी आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ पर मैं स्क्वेयर रूट -1 की जगह आयोटा प्लेस कर दूंगा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर भी 11 अंडर रूट -1 की जगह अगेन आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 एज इट इज इक्वल टू 2 एज इट इज अंडर रूट -1 की जगह आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3। चले जी, अब लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है सो इसका एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा और न्यूमिनेटर में 11 तो नहीं, यहाँ 13 आता है, 13 आयोटा एज इट इज। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर हम एज इट इज लिखते हैं, तो 11 आयोटा भी एज इट इज एंड राइट साइड पे 2 आयोटा आवर अंडर रूट 3। ओके, 11 एंड 13 दोनों के साथ, दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों के साथ आयोटा है, तो इसलिए हम इनके कॉफिशेंट्स को ऐड करेंगे। तो 13 और 11 को अगर हम ऐड कर लें तो ये बन जाता है 24 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3। देखें बाकी सब तो सेम है, जस्ट डिफरेंस इज यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 2 है, ये डिफरेंट है, तो सो दैट्स मीन कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको पहले, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो यहां हम लिख लेते हैं विच इज नॉट ट्रू। सो ये ट्रू नहीं होगा, इट्स मीन जो हमने एक्स की वैल्यू -184 ओवर 3 पुट की है वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। जब आपके पास वेरीफाई ना हो तो वो क्या होता है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होता है। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गई थी, तो यहाँ हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज 4, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बिल्कुल एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 5 के। सो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, रेडिकल साइंस को रिमूव करना है तो हम यहाँ ले लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे अगेन, अब यहाँ पर मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल्स बताई और वो काफ़ी लेंथी एक ही क्वेश्चन हो गया था और वीडियो फिर आपको पता है ज़्यादा लेंथी हो जाती है। सो इक्वल टू राइट साइड में भी एक्स प्लस सिक्स एज इट इज होल का स्क्वेयर।
नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस कंप्लीट टर्म को हम कंसिडर करते हैं, ये ए है और सेकेंड टर्म को हम कंसिडर करते हैं बी है, और दरमियान में है प्लस, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ हम ओपन करते हैं ए का स्क्वेयर, उसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, सिमिलरली प्लस बी का स्क्वेयर तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर। फार्मूले में आता है प्लस टू एंड देन ए भी आता है, तो मैं ए बी को ए की रूट में लिख रहा हूँ, ए की जगह एक्स प्लस वन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही करना था तो अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और राइट साइड पे एक्स प्लस सिक्स जस्ट रह जाएगा, रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन, सिमिलरली ये स्केयर और ये रूट कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस टू, एंड प्लस टू इंटू स्केयर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एंड प्लस वन इज टू अगेन एक्स माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे राइट साइड पे एक्स प्लस सिक्स एज इट इज। फर्दर अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड करते तो बन जाएगा टू एक्स एंड वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। सिमिलरली प्लस टू अंडर रूट, अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स, सिमिलरली वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एक्स, एंड माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ओके, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो टू है ये रेडिकल साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कभी भी मल्टीप्लाई सॉरी प्लस पीछे नहीं करना आपने कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी। अब टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो टू एक्स में से एक्स माइनस कर लें तो माइनस एक्स, एंड माइनस टू इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टू एक्स है तो यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू एक्स। सिमिलरली ये माइनस वन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन एंड प्लस सिक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स माइनस टू एक्स दैट इज माइनस एक्स एंड प्लस सेवन। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और एक रेडिकल साइन स्टिल अभी भी मौजूद है, तो इसको ख़त्म करने के लिए रिमूव करने के लिए अगेन हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो यहाँ हम अगेन लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू का कंप्लीट का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर टू के ऊपर भी है और स्क्वेयर रूट पर भी है, तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा और टू का जो स्क्वेयर है वो फोर बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू राइट साइड पे अगेन वही माइनस एक्स है तो इसको ए कंसिडर करें, इसको सेवन को बी कंसिडर करें, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो अप्लाई करेंगे फार्मूला तो ये आ जाएगा ए का स्क्वेयर मीन्स एक्स का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर मीन्स सेवन का स्क्वेयर, एंड प्लस टू ए की जगह माइनस एक्स एंड बी की जगह सेवन। यहाँ पर फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स एंड माइनस एट इज इक्वल टू राइट साइड माइनस एक्स का स्क्वेयर तो एक्स आ जाएगा स्क्वेयर, सेवन का स्क्वेयर फोर्टी नाइन, एंड ये टू माइनस एक्स एंड सेवन तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस फोर्टीन एक्स आ जाएगा। गुड, अब देखें अब हमारे पास रेडिकल साइंस जो है बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या तो आप राइट से लेफ्ट पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको मूव करें और लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैं लेफ्ट सॉरी राइट से लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस फोर एक्स है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस फोर एक्स, राइट साइड पे माइनस फोर्टीन एक्स है, यहाँ आकर फोर्टीन एक्स हो जाएगा, एंड फिर यहाँ माइनस एट है तो माइनस एट प्लेस करेंगे, और यहाँ फोर्टी नाइन है तो राइट साइड पे मूव करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस फोर्टी नाइन इक्वल टू कुछ नहीं बचा ज़ीरो। अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस करें, फोर एक्स के में से फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस स्क्वायर माइनस करें तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंड प्लस फोर्टीन एक्स, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस लिखेंगे एंड टेन एक्स, एंड प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस और माइनस प्लस तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस प्लेस करेंगे तो 49 में आप 8 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 57 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो बन गई है, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 या दीगर जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे लास्ट,
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लेस करता हूँ और इसकी में एक्स की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस प्लेस करेंगे, बी की जगह जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ आ जाएगा टेन प्लस माइनस अगेन बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा टेन का स्क्वेयर, ब्रैकेट में पावर में लिख देते हैं माइनस फोर, ए की जगह थ्री प्लेस करेंगे और सी की जगह कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज माइनस फिफ्टी सेवन, माइनस फिफ्टी सेवन लिख लेंगे। ओके डिवाइडेड बाय क्या लिखा है टू ए, टू एज इट इज ए की जगह थ्री। अब आप इसको जस्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एज इट इज प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टेन का स्क्वेयर होता है हंड्रेड और नेक्स्ट थ्री जो आपके पास टर्म्स हैं फोर थ्री एंड फिफ्टी सेवन, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। माइनस और माइनस होता है प्लस, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व, ट्वेल्व को फिफ्टी सेवन से आप एक ही साथ कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा सिक्स एटी फोर एंड डिवाइडेड बाय टू थ्री ज़ा सिक्स। यहाँ पर इससे आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ हंड्रेड प्लस सिक्स एटी फोर होता है सेवन एटी फोर, इसको ऐड कर लेते हैं डिवाइडेड बाय सिक्स। ओके अब आके इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फर्दर। अब 784 देखें किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर सकते हैं आप। तो 784 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 28 का, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 28 डिवाइडेड बाय 6। ओके अब दरमियान में जो प्लस माइनस है इसका मतलब है कि इस कंप्लीट टर्म को एक दफ़ा आप प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन, दरमियान में पहले प्लस लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 6, अगेन लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन माइनस 28 आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लेस करेंगे 28 में से 10 माइनस करें तो 18 आ जाएगा ओवर 6 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो यहाँ 38 अपॉन 6 आ जाएगा। आप अगर इनकी कैंसिलेशन होती है कटिंग होती है तो आप उसको वो कर दें। एक्स इज इक्वल टू 6 के टेबल में 16 आता है 3 टाइम्स तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इसकी कटिंग करें 38 ओवर 3, कटिंग तो एग्जैक्टली नहीं होती बट माइनस 19 बाई 3 कैलकुलेटर पे आ जाएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये दो एक्स की वैल्यूज जो अननोन हमने फाइंड करने थे हमने फाइंड आउट कर लिए, फर्दर क्या करते हैं अब हम इसको चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, एक्स की दोनों वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप प्लेस करेंगे कहाँ पर गिवन जो इक्वेशन थी उसमें। ओके जी मैंने इक्वेशन लिख ली, अब हम इसमें पहले एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह थ्री प्लस वन प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह थ्री माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह अगेन थ्री प्लस सिक्स, थ्री प्लस वन इज फोर। ओके यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस टू इज वन एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड ऑल्सो यहाँ आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री इज नाइन स्केयर रूट ऑफ नाइन। ओके फोर जो है परफेक्ट स्क्वेयर होता है टू का, तो यहाँ टू का स्क्वेयर लिख लेंगे, वन परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट अगर मान लें तो वन ही आता है इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री का स्क्वेयर नाइन होता है तो वो लिख लेते हैं हम। अब ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, टू प्लस वन एंड राइट साइड पे थ्री, टू प्लस वन इज थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू थ्री पुट करने से गिवन इक्वेशन में आंसर जो है वो वेरीफाई कर जाता है तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ ट्रू, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा x इज इक्वल टू थ्री पुट करने से हमारा आंसर वेरीफाई किया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 19 बाई 3 उसको हम प्लेस करके चेक करते हैं क्या आंसर वेरीफाई करता है या नहीं। ओके जी अगेन मैंने इक्वेशन लिख लिया, अब मैं x की वैल्यू माइनस 19 बाई 3 x की जगह पर प्लेस करूंगा सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 1। सिमिलरली दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगेन यहाँ पर x की जगह माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी ऐसे ही लिखेंगे x की जगह माइनस 19 बाय 3 एंड प्लस 6। अब जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं एलसीएम लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो न्यू डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1 होगा, इधर भी 1 और इधर भी 1। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, सो एलसीएम क्या आएगा 3 और 1 है तो डिनोमिनेटर में
एलसीएम भी थ्री ही आएगा, ठीक है। और फर्स्ट माइनस 19 बाई थ्री फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में थ्री है और एलसीएम भी थ्री है, तो ऑब्वियसली माइनस 19 ही आएगा। एंड प्लस इस वन को, डिनोमिनेटर को और थ्री जो एलसीएम हमने लिया, इसको अगर डिवाइड करें, थ्री डिवाइडेड बाय वन, तो थ्री अगेन आएगा। उस थ्री को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ थ्री आ जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर भी एलसीएम थ्री और वन, तो थ्री एलसीएम आएगा। न्यूमिनेटर में माइनस 19 एंड माइनस वन, और थ्री को थ्री डिवाइडेड बाई वन करूंगा तो थ्री आएगा, तो उस थ्री को इस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा सिक्स। इज इक्वल टू राइट साइड पे भी एलसीएम आपका थ्री ही आएगा। न्यूमिनेटर में माइनस 19 अगेन एज इट इज, एंड वन और थ्री को डिवाइड करूंगा तो थ्री आएगा, और थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया, प्लस लिखना है आपने। ओके, नेक्स्ट इज अब इनको आप सिंप्लीफाई जस्ट करना है, तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 3 माइनस कर लें तो ये माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। एंड प्लस यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस 19 और 6 को ऐड कर लें तो माइनस 25 इज इक्वल टू राइट साइड पे माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 19 में से 18 माइनस करें तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 16 को सेपरेट करके और माइनस 1 को सेपरेट लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई 3। एक ही बात है, इसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। तो यहाँ पर भी अगेन 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे और माइनस 1 को मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही आ जाता है, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं पड़ता उसके ऊपर। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, तो मैं 4 को बाहर लिख लूँगा, तो अंडर रूट में रह जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, रूट भी मैंने सेपरेट कर दिए हैं। अगेन यहाँ पर 25 है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, वो 5 बाहर आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। और अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस 1 को सेपरेट कर देते हैं और अंडर रूट 3 को भी। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है किसके, अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ पर अंडर रूट माइनस 1 है वहाँ वहाँ पर हम आयोटा प्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सिमिलरली यहाँ लिख लेते हैं 5 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी जस्ट आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ओके, अगेन यहाँ पर एलसीएम होता है, अंडर रूट 3 दोनों में क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी अंडर रूट 3 आएगा। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स हम एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पर आयोटा आवर अंडर रूट 3। ओके, 5 + 4 आयोटा, देखिए दोनों के साथ आयोटा है, सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर लें 9 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा ओवर अंडर रूट 3। अब देखें यहाँ 9 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 और यहाँ जस्ट आयोटा अंडर रूट 3, तो इट्स मीन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ लिखेंगे हम विच इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पर पुट की माइनस 19/3, उसको पुट करने से ये आंसर आया, वेरीफाई नहीं हुआ, इट्स मीन फिर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा 3, क्योंकि 3 को पुट करने से, क्योंकि 3 को पुट करने से हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हुआ था, सो इसलिए सोल्यूशन सेट क्या होगा, फिर 3 होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वही प्रीवियस जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 किए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं, अगेन स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ लिख लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डालेंगे एक ब्रैकेट एंड देन 11 माइनस एक्स एंड दरमियान में माइनस, फिर अगेन 6 माइनस एक्स का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ओके जी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये एक कंप्लीट टर्म है जिसको नाम दे दें आप ए का, और ये एक टर्म है इसको नाम आप बी का दे दें, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं और दरमियान में माइनस प्लस होल का स्क्वेयर, सो हमेशा ए माइनस बी या ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वेयर की जगह जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट रेडिकल है, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर आ जाएगा, फिर प्लस आता है फार्मूले में,
फिर स्क्वेयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, एंड फिर आता है माइनस 2, एक ही जगह स्क्वेयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स, एंड मैं एक ही रूट में लिख रहा हूँ, एंड बी की जगह 6 माइनस एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू राइट साइड पे ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर, सिमिलरली ये स्क्वेयर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स एंड माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ। अब यहाँ पर ये जो 11 माइनस एक्स है और ये वाला जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है 6 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 11 इंटू 6 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स है, माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स अगेन, और यहाँ इसको हम रूट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पे 27 माइनस एक्स एज इट इज़। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 11 एंड प्लस 6 बोथ आर कांस्टेंट और सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स, सो इन दोनों को ऐड कर लें, 11 में 6 ऐड कर लें तो ये 17 बन जाता है, फिर माइनस एक्स और माइनस 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 होता है प्लस, आएगा माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2x, और आगे आ जाएगा माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 66 माइनस, फिर 11 को x से मल्टीप्लाई करें तो 11x, सिमिलरली माइनस एज इट इज़ एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और जब ब्रैकेट ओपन की तो माइनस अंदर वाला साइन चेंज प्लस आ जाएगा, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स एज इट इज़। ओके जी, अब फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस 2 है ये इस रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से छेड़ना नहीं है, 17 एंड माइनस 2x, 17 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे तो ये 27 से प्लस माइनस हो जाएगा, सिमिलरली ये 2x है, इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 66, और ये जो 11x है और ये x दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर दें, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आ जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 17x, और आगे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड पे 27 कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ से ये 17 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, सिमिलरली फिर यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ माइनस 2x है, ये इधर आकर प्लस 2x हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 2 एज इट इज स्केयर रूट ऑफ, इसको मैं अरेंज करके तरतीब से लिख देता हूँ, एक्स स्केयर माइनस 17x एंड प्लस 66 इज इक्वल टू, अब 27 में से 17 को अगर माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस होता तो 10 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास पहले दो दो रेडिकल साइन आ रहे थे, हमने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग करने के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, अब एक रेडिकल साइन जो है वो रह गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन जब तक ख़त्म नहीं होगा हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो रेडिकल साइन को ख़त्म करने का एक ही मेथड है कि स्क्वेयरिंग करते हैं, सो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके जी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2, इधर ब्रैकेट डाल लेते हैं, आगे स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, सही हो गया। अब जो है ये जो होल का स्क्वेयर है, इससे मुराद ये है कि माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वेयर है और रेडिकल साइन के ऊपर भी स्क्वेयर है, सो माइनस 2 का स्क्वेयर तो वो बन जाएगा 4, और ये जो रेडिकल साइन के ऊपर स्क्वेयर है ये रूट से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 17x एंड प्लस 66 इज इक्वल टू राइट साइड पे अगेन आप 10 को जो है वो कंसिडर कर लें, ये ए है, एक्स को कंसिडर करें बी है, तो अगेन ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई होता है, तो यहाँ ए स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा 10 का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर एंड प्लस 2 ए की जगह फिर 10 और बी की जगह एक्स आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4x स्क्वेयर माइनस 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 68x एंड प्लस 4 को 66 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 264
इज इक्वल टू 10 का स्केयर राइट साइड पे 100 होगा एंड प्लस एक्स का स्केयर एज इट इज़, एंड 2 को मल्टीप्लाई 10 से करें 20 एंड 7x है तो एज इट इज़ 20x आ जाएगा। ओके अब हमारे रेडिकल साइंस जो है वो रिमूव हो चुके हैं बिल्कुल। अब हमने क्या करना है जी, अब आपकी मर्जी है, आप राइट से लेफ्ट में जितनी टर्म्स को शिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मीन्स प्लस माइनस करना है। अब तो लाइक टर्म्स को आप अरेंज करके लिख लें राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, जहाँ पर भी आप लिखना चाहें। तो मैं जितनी भी टर्म्स हैं राइट साइड पे उनको लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। 4x² था वहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ आकर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पर -68x है, यहाँ पर 20x है, यहाँ आकर -20x हो जाएगा। और उसके बाद फिर +264 कॉन्स्टेंट टर्म है और वहाँ पर 100 है, यहाँ पर अगर -100 हो जाएगा इज इक्वल टू, वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से 1 माइनस कर लें तो 3x² आ जाएगा। फिर 68 एंड 20 दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस प्लेस करेंगे। 68 में 20 को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 88x, तो 88x लिख लेंगे। एंड प्लस 264 में से 100 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 164 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक सिंप्लीफाई होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम इसमें से इजीली एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अगेन चैप्टर नंबर 1, 1.1, 2, 3, 4 जिस तरह भी आपने एक्सरसाइजेस की हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन से, अब आपने वो प्लेस करना है, यहाँ पुट करना है फार्मूला या फैक्टराइजेशन, वट एवर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो वो करेंगे, करने के बाद हम इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लेस करेंगे, फार्मूला प्लेस करने के बाद वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू -b± स्क्वेयर रूट ऑफ b² -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। फिर अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस एंड b की जगह, b किसको कहते हैं हम, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको, और वो है -88, तो ब्रैकेट में फिर लिखूंगा -88 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b का स्क्वेयर, तो यहाँ -88 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, इसको हम थोड़ा एक्सीड कर लेते हैं। एंड -4 की जगह 4, ए हमारे पास इक्वल है 3 के, तो यहाँ 3 प्लेस करेंगे, और सी इक्वल है 164 के, सो यहाँ 164 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 और ए की जगह 3 आ जाएगा, सही। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जस्ट 88 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस जो 88 का स्क्वायर है, जब भी पावर इवन हो साइन माइनस का हो तो ख़त्म हो जाता है, और 88 का जो स्क्वायर है वो आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, 7744 ये आ जाएगा। एंड सिमिलरली आगे माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 12, और इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करें 164 से तो ये आ जाएगा 1968 एंड डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5776 एंड डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब 577 जो 6 है ये आप कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज पुट करें, पुट करने के बाद इक्वल को प्रेस करें, देन आपके पास इसका जो भी परफेक्ट स्क्वेयर होगा वो आ जाएगा, तो 76 जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वेयर है डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। ओके अब जो है क्या करेंगे, दरमियान में है प्लस माइनस, रेडिकल साइन तो रिमूव हो गया, दरमियान में है प्लस माइनस, तो एक दफ़ा इस कंप्लीट इक्वेशन को आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो 76 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 6। फिर अगेन माइनस में लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 88 -76 डिवाइडेड बाई 6, सो आप प्लस माइनस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88 में प्लस 76 करेंगे तो ये बन जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 88 में से 76 को माइनस कर लें तो ये आ जाता है 12/6, अगर इनकी कैंसिलेशन होती है तो कर दें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, सो एक्स इज इक्वल टू 2, एक तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू 2, और सेकंड सॉल्यूशन जो है 164/6, इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 82/3। तो जहाँ तक डिवाइड हो सकते हैं आप कर दें, पॉइंट में बस आपने नहीं लिखना इसका आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन और एक्स की जो दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं।
अब हमने जस्ट ये वेरिफिकेशन करनी है, इन दोनों एक्स की वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट करना है और ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सॉल्यूशन सेट हैं इस इक्वेशन के या नहीं। सो अब हम इसको पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। अगेन यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके जी, अब मैंने अगेन इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू टू को प्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर टू प्लेस करेंगे और देखेंगे ये क्या इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो 11 माइनस क्या आ जाएगा, टू, अगेन दरमियान में माइनस, फिर यहाँ पर 6 माइनस टू, फिर इज इक्वल टू के बाद जो रेडिकल है 27 माइनस अगेन टू। ओके, 11 में से 2 माइनस कर लें तो ये आ जाता है 9, फिर अगेन माइनस, 6 में से 2 माइनस कर लें ये आ जाएगा 4, इज इक्वल टू 27 में से 2 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 25। ओके, 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का, तो 3 के ऊपर स्क्वेयर लिख देंगे, माइनस 4 है परफेक्ट स्क्वेयर 2 का तो स्क्वेयर आ जाएगा, और 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है 25 का, तो यहाँ 5 का स्क्वेयर आ जाएगा ऊपर रूट एज इट इज। सो अब हम इनके स्क्वेयर्स को कैंसिल कर देंगे रूट के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वेयर और रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5। अब 3 में से 2 माइनस कर लें, 1 इक्वल टू 5, एंड 1 तो इक्वल नहीं होता 5 के। सो ये हमारे पास यहाँ लिख लेंगे विच इज नॉट ट्रू, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू टू पुट करने से आंसर हमारा जो है, सॉरी इक्वेशन जो है वो वेरीफाई नहीं हुई, इट्स मीन ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 82/3, अब उसको चेक करते हैं गिवन इक्वेशन में पुट करके क्या वो इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं। ओके जी, अगेन चेक करते हैं सेकंड वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर 82/3 को पुट करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 11 माइनस एक्स की जगह 82/3 प्लेस करेंगे, अगेन माइनस 6 माइनस 82/3 अगेन यहाँ प्लेस करेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पे भी 27 एज इट इज़ एंड माइनस एक्स की जगह 82/3 प्लेस करेंगे। अब दरमियान में प्लस माइनस का साइन फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम ले लेंगे, 27 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 6 के नीचे 1 लिख लें, इसके नीचे भी डेफिनेटली कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब सबका सेपरेटली एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ऑब्वियसली 3 आएगा, 1 और 3 को डिवाइड करें तो 3 आता है, तो 3 को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 33 माइनस 82, अगेन यहाँ माइनस, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं और नीचे आ जाएगा एलसीएम 3, और 3 और 1 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 3 आएगा, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 18 आ जाएगा, 18 माइनस 82 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में, एलसीएम अगेन 3 आ जाएगा, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस, अगेन यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 82 अगेन एज इट इज रहेगा। फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस 82 में से 82 में से 33 माइनस करेंगे तो 49, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस प्लेस करेंगे डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज माइनस, अगेन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, सो 82 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस माइनस माइनस 81 और 82, 82 में से 81 को माइनस कर लें बड़ी वैल्यू का साइन एज इट इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और अब हम इसको जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था हमने वैसे ही कर लेते हैं, 49 को सेपरेट कर लेंगे और माइनस 1 को सेपरेट डिवाइडेड बाय 3, अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं 64 सेपरेट करेंगे माइनस 1 सेपरेट डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी यही कर लेते हैं, बल्कि राइट साइड पे तो है ही 1 है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर होता है किसका, 49 का, तो वो लिख लेते हैं, और माइनस 1 अगेन फिर एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 3 भी एज इट इज़, और 64 परफेक्ट स्क्वेयर है 8 का तो यहाँ 8 का स्क्वेयर आ जाएगा और ब्रैकेट में माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1 बाय 3 भी एज इट इज़। अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल तो 7 आ जाएगा बाहर, और मैं ये दोनों रूट अलहदा कर रहा हूँ, अंडर रूट माइनस 1 भी अलहदा कर रहा हूँ और अंडर रूट 3 भी सेपरेट कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम कर सकते हैं, स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ माइनस 1, इसको भी सेपरेट कर देते हैं डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ 3। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि जो स्केयर रूट
अंडर रूट माइनस वन है वो इक्वल होता है किसके, आयोटा के, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होती है आयोटा, तो ये आपने याद रखनी है, जहाँ जहाँ पर अंडर रूट माइनस वन आए वहाँ पर आपने इसको प्लेस कर देना। तो यहाँ आ जाएगा 7, अंडर रूट माइनस वन की जगह आयोटा प्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री एज इट इज़, माइनस अगेन यहाँ पर 8 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री, और इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन की जगह आयोटा ओवर अंडर रूट थ्री आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट थ्री सेम है, और न्यूमिरेटर भी एज इट इज़ आ जाएंगे, 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा, और राइट साइड तो वैसे ही ऐसी आएगी आयोटा ओवर अंडर रूट थ्री। ओके जी, लाइक टर्म्स है दोनों के साथ आयोटा है, कॉफिशेंट्स प्लस माइनस होंगे, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा ओवर अंडर रूट थ्री, और राइट साइड पे है प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट थ्री, सिर्फ एक डिफरेंस है दैट इज़ माइनस। सो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस, इट्स मीन ये इक्वल नहीं है, तो देयर फोर यहाँ लिख लेते हैं विच इज नॉट ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंप्लीट क्वेश्चन में जो हमने दो एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी, उन दोनों वैल्यूज को हमने गिवन इक्वेशन में, गिवन क्वेश्चन में पुट किया एक्स की जगह पर, और दोनों को पुट करने से कोई हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ। सो इट्स मीन ये दोनों एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे देयर फोर, सॉल्यूशन सेट में हम एक एम्प्टी ब्रैकेट डाल देंगे, जिसका मतलब है कि इसमें कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है। ठीक है, सो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ओके जी, सो अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन वही हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन अभी किए बिल्कुल अगेन बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सो सबसे पहले लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 4a+x माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a-x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट साइड पे अंडर रूट ए का अलहदा से स्क्वेयर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पर इस कंप्लीट टर्म को हम क्या कहते हैं, ये a है और इसको हम b कंसिडर करते हैं, देन इसको फार्मूला ओपन करते हैं a-b वाला। ओके, यहाँ फार्मूला ओपन कर देते हैं, a का स्क्वेयर मीन्स 4a+x का होल स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, यानी कि सेकंड टर्म जो है रेडिकल साइन ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर एंड माइनस 2ab की जगह इनको ए की रेडिकल साइन में लिख देते हैं 4a+x इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट ए बच जाएगा। अब हम इन दोनों स्क्वेयर्स को स्क्वेयर रूट से कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आएंगी 4a+x एंड प्लस ए माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस 2 स्क्वेयर रूट में इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे 4a इंटू a-x एंड प्लस एक्स इंटू अगेन a-x इज इक्वल टू राइट साइड पे a, सही हो गया। अब यहाँ पर 4a एंड a जो सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स उनको ऐड कर देंगे 5a, एंड ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स, साइन डिफरेंट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 5a-2 अंडर रूट। अब इनको 4a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a को a से मल्टीप्लाई कर लें तो 4a का स्क्वेयर, एंड 4a को x से मल्टीप्लाई करें तो -4ax। सिमिलरली प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करने इस फैक्टर के साथ, तो x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax, और प्लस माइनस माइनस x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x2, राइट साइड पे इक्वल टू a एज इट इज। ओके, अब हमने जस्ट इस रेडिकल साइन को यहाँ ही रखना है, और ये जो लाइक टर्म है यानी कि ये 5a, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि वहाँ लाइक टर्म है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ लिख लेंगे 4a का स्क्वेयर, ये ए एक्स और ये एक्स दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके साथ कॉफिशेंट्स जो है उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर होते हैं तो वो कर देंगे, यहाँ -4 है और यहाँ +1 है, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, 4 में से 1 माइनस करें तो 3ax साथ एज इट इज एंड -x का स्क्वेयर इज इक्वल टू a-5a। चलें जी, अब लास्ट स्टेप है इस सिंप्लीफिकेशन का, 4a का स्क्वेयर -3ax एंड -x का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, देखिए दोनों के साथ
ए हमारे पास, देखिए दोनों के साथ ए आ रहा है, सो इट्स मीन इनके जो कॉफिशेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 ए, और बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो माइनस है तो माइनस प्लेस कर देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रेडिकल साइन रह गए, ठीक है, अब इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया, सो अगेन यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा -2 और ब्रैकेट डाल लेते हैं साथ में, 4a का स्क्वेयर -3ax एंड -x का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -4a, ये आ जाएगा, बल्कि इधर स्क्वेयर नहीं मैंने लिखा, स्क्वेयर आ जाएगा। अब -2 के ऊपर भी स्क्वेयर है और स्क्वेयर रूट जो अंडर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वेयर है, तो -2 का स्क्वेयर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, 3ax एंड -x का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर माइनस की वजह से पावर इवन होने की वजह से माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 4a का होल स्क्वेयर बन जाएगा, दैट इज 16a का स्क्वेयर। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें तो 4 4 16, तो यहाँ आ जाएगा 16a का स्क्वेयर माइनस 4 3 12 यानी 12ax एंड माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 16a का स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सो जो राइट साइड पे टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 16a का स्क्वेयर माइनस 16a का स्क्वेयर, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज -12ax एंड -4x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये -16a का स्क्वेयर और ये +16a का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, -12ax एंड -4x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और मैंने फाइंड करनी है x की वैल्यू, सो अब इसमें से हम माइनस अगर 4 कॉमन ले लें, 4x सॉरी -4x कॉमन आता है इन दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं, -4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 3 जा 12 a बच जाएगा, और x हमने कॉमन लिया वो लिख नहीं सकते, माइनस कॉमन लेने की वजह से दरमियान में अंदर प्लस आ जाएगा, 4 हमने कॉमन लिया x भी कॉमन लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर था तो जस्ट एक x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -4x भी इक्वल है 0 के और 3a प्लस x भी इक्वल है 0 के, तो दोनों को आप सेपरेटली लिख लें, -4x इज इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो x यहाँ आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4, सो x इज इक्वल टू 0, तो एक हमने वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली मैंने यहाँ से x की दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहीं रखेंगे, 3a को यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3a। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमने x की फाइंड आउट कर ली, इन दोनों वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप गिवन इक्वेशन में अगेन पुट करेंगे। ओके जी, अगेन मैंने इक्वेशन लिख दी है, क्वेश्चन लिख लिया, अब एक्स की वैल्यू जो है 0 है उसको प्लेस करेंगे जहां पर एक्स है वहां वहां पर, तो यहाँ आ जाएगा 4a प्लस एक्स की जगह 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा अगेन a माइनस एक्स की जगह अगेन 0 इज इक्वल टू यहाँ स्क्वेयर रूट ऑफ a एज इट इज, 4a में 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4a एज इट इज रहेगा माइनस यहाँ स्क्वेयर रूट ऑफ a b एज इट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ a एज इट इज। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4a को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और ये जो माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a इसको अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ a एंड प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ a। ठीक हो गया, अब 4 स्क्वेयर रूट ऑफ a है तो परफेक्ट स्क्वेयर होता है 4 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर और स्क्वेयर रूट में जस्ट a रह जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे, ये भी स्क्वेयर रूट ऑफ a है, ये भी स्क्वेयर रूट ऑफ a है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इट्स मीन 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 स्क्वेयर रूट ऑफ ए, सो ये दोनों क्या होंगे फिर बराबर, तो 2√a 2√a दोनों बराबर हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने से, तो हमारा ये सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई हो गया, तो यहां हम लिख लेते हैं विच इज ट्रू, सो ये ट्रू है और सॉल्यूशन सेट हमारा इसका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। फर्दर अगेन चेक करते हैं नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है एक्स की वो पुट करते हैं एंड देन चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं। ओके जी, अगेन मैंने इक्वेशन लिख लिया, अब हम एक्स की जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको एक्स की जगह पर प्लेस करके देखते हैं क्या वो
वेरीफाई करता है या नहीं। सो यहाँ लिख लेंगे 4a एज इट इज़ एंड प्लस x की जगह पर माइनस 3 प्लेस करेंगे, माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस x, फिर अगेन x की जगह पर माइनस 3a है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ a एज इट इज़। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4a प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा 3a। सिमिलरली माइनस यहाँ पर आ जाएगा a, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाएंगे 3a इज इक्वल टू राइट साइड पे a एज इट इज़। ओके जी, दोनों के साथ a है तो कॉफिशेंट्स प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 4 में से 3 माइनस करें 1 और जस्ट a रह जाएगा। आप 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा 3a प्लस a दैट इज 4a इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा जस्ट a। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायर रूट ऑफ a एज इट इज माइनस 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 में बाय लिख लूंगा और स्क्वायर रूट में रह जाएगा जस्ट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ओके, नाउ यहाँ पर 2 अंडर रूट a है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 अंडर रूट a होगा, ठीक है। सो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 अंडर रूट a इज इक्वल टू राइट साइड पे है जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ a, तो माइनस का डिफरेंस है दैट इज माइनस 1 है यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट अंडर रूट a है, तो इट्स मीन ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं देयर फोर विच इज नॉट ट्रू। सो यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, फिर क्या होगा। सो सोल्यूशन सेट हमारा होगा जस्ट हमारा जो है वो क्या होगा दैट इज 0, और ये जो हम माइनस 3 हमने पुट किया था ये हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। सो इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस टेक्निक का, इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस टाइप की इक्वेशंस का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से जो ऑनवर्ड 9 10 और 11 है वो टाइप 3 से सॉल्व होते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। सो तब तक के लिए आपने जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम प्रीवियस, इन सब की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और जिस क्वेश्चन में भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।